नमस्कार, खबर सरा हटके में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज की हटके खबर की। पूरा होगा अकेले उड़ने का सपना। हम में से हर इंसान कभी न कभी उड़ने का सपना जरूर देखता है। कुछ लोगों का ये सपना हवाई यात्रा के जरिए पूरा भी हो जाता है, लेकिन क्या इससे आपको अपनी मर्जी से उड़ने की पूरी आजादी नहीं मिलती है? अभी तक तो ये केवल सपनों में संभव होता है, लेकिन अमेरिका के सिलिकॉन वैली में एक फ्लाइंग कार बनाने का प्रयास अंतिम चरणों में है। सिलिकॉन वैली की फ्लाइंग कार बनाने में जुटी स्टार्टअप कंपनी किटी हॉक इस सपने को पूरा करने का दावा कर रही है। ये भी कहा जाता है कि किटी हॉक को दुनिया के सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सर्च इंजन गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज का समर्थन हासिल है, और सोमवार को ही कंपनी ने वीडियो जारी किया है जिसमें उसने अपने प्रोटोटाइप यानी नमूने को दुनिया के सामने पेश करते हुए जानकारी दी है। कंपनी की ओर से कहा गया है कि वो इस साल के अंत तक इस व्यक्तिगत फ्लाइंग मशीन की डिलीवरी शुरू कर देगी। किटी हॉक कंपनी ने अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू इलाके में स्थित अपने कार्यालय से जारी एक बयान में कहा कि निजी उड़ान को सच्चाई में तब्दील करना ही हमारा मिशन है। हमारा मानना है कि जब प्रत्येक इंसान के पास उड़ने की क्षमता होगी तो उनके लिए अवसरों की असीमित दुनिया उपलब्ध हो जाएगी। कंपनी ने कहा कि आज हम अपने उत्पाद द फ्लायर का पहला प्रोटोटाइप पेश कर रहे हैं। ये व्यक्तिगत फ्लाइंग मशीन है जो 2017 के अंत तक बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगी। विदित हो कि इस वीडियो में एक सीट वाले इस विमान को दिखाया गया है जिसमें दो पॉन्टून फिट हैं और उनके ऊपर मकड़ी के जाल की सूरत में बना एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिस पर हवाई यात्री सवार रहता है। इस वीडियो में इस विमान को एक अज्ञात इलाके में एक झील के ऊपर उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। इसके बारे में दी गई जानकारी में कहा गया है कि 8 रोटरों से संचालित होने वाले इस विज्ञान की विशेषता ये है कि इसे रनवे पर दौड़ने की जरूरत नहीं होती, वरन ये किसी हेलीकॉप्टर या चॉपर की तरह सीधी उड़ान भर लेता है। इसके बारे में ये भी बताया गया है कि इसका वजन 220 पाउंड है और ये सतह से 15 फुट ऊंचाई पर 25 मील प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है।